अमित शाह और तमिल साई की तीखी नोकझोंक हुई वायरल। घटना के कुछ दिनों बाद बीजेपी नेता ने अटकलों पर लगाया विराम। मंच पर आखिर हुआ क्या था, तमिल साई ने खुद दिया जवाब। पिछले 24 घंटे से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक ही मंच पर अमित शाह और पूर्व राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन मौजूद हैं। दोनों के बीच जिस तरह से बातचीत हुई उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग अटकलें लगाई जाने लगी। कहा जा रहा था कि अमित शाह ने तमिल साई को गुस्से से डांट दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रहे मतभेद की खबरों पर जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कल मैं पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली। उन्होंने मुझसे चुनाव के दौरान आई चुनौतियों के अलावा आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की। मैं उन्हें विस्तार से बता रही थी लेकिन समय की कमी के चलते उन्होंने क्षेत्र के कामों को पूरी तन्मयता से करने की सलाह दी। मैं इस विषय में चल रही सभी अटकलों को खारिज करती हूँ। बता दें कि आंध्र प्रदेश की सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और तमिलनाडु बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष तमिल साई सुंदरराजन सामने आकर उन्हें नमस्कार करती हैं। वो आगे बढ़ ही रही थी कि अमित शाह उन्हें कुछ कहने के लिए रोक लेते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है। अमित शाह उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आ रहे थे लेकिन ये वीडियो शेयर करके राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। कहा गया कि गृह मंत्री के एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा है कि वो तमिल सलाई को डांट रहे हैं। खैर, अब तमिल साई ने अपनी बात रखकर इन सभी दावों को खारिज कर दिया है।